भी कर सकते हैं, मतलब कि नॉर्मल पेन से भी इस तरीके को यूज करने में लगा सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शार्पनर का, हर शार्पनर में ऐसा एक गोल गोल सा छेद होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये छेद है। ओके, तो इस छेद में जो है हम अपनी पेंसिल को ऐसे करके डालेंगे। अपनी पेंसिल को डालने के बाद आप सोचोगे और क्या, सॉरी दोस्तों ये ज़रा गलती हो गई मुझसे, कभी कभी गिर भी जाता है। तो आप सोचेंगे ऐसे क्या ही शॉप कर देगा अपने आप, तो दोस्तों नहीं नहीं करेगा ऐसे। तो सबसे पहले आपको उस शार्पनर को ऐसे पकड़ना है, फिर ऐसे करके घुमाना है। ये पेंसिल का छिलका ऐसे ऐसे करके उतरता जाएगा, लेकिन आपको ऐसे रोकना नहीं है, क्योंकि ऐसे ही करके आपकी पेंसिल शार्प होने वाली है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी पेंसिल एकदम शार्प हो गई, बहुत अच्छे से चल रही है ये। तो दोस्तों ये वीडियो यही ख़त्म होती है। ओके, बाय बाय।